दोस्तों, मोबाइल सॉफ्टवेयर सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है लिनोवो का। इसको पैटर्न लगा हुआ है, इसको रिसेट करते हैं कंप्यूटर पे। इसको किस तरह रिसेट किया जाता है, अगर इसको FRP लॉक लगा हुआ है वो कैसे रिमूव करना है, तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। तो दोस्तों, मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ। सबसे पहले मैंने जिस टूल के बारे में आपको बताया था, PDT, ये मेरे पास पहले से डाउनलोड है। आपके पास डाउनलोड नहीं है तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। पहले मैंने वीडियो इस पर बनाई है पूरी। ये मोबाइल फ़ोन का CPU चेक करने के लिए होता है। जो चाइना फ़ोन है उसके अंदर कौन सा CPU लगा हुआ है वो चेक करने के लिए, तो मैं इस टूल को पहले ओपन करता हूँ कि चाइना का फ़ोन इसके अंदर CPU कौन सा है। MTK है, SPD है, RKT है, मुख्तलिफ़ किस्म के CPU इसमें आते हैं। तो मैं इस टूल को ओपन करता हूँ और यहाँ कह रहा है कि मोबाइल के वॉल्यूम अप बटन डाउन बटन दोनों को प्रेस करके USB केबल कनेक्ट करें। तो मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट करता हूँ। अब मैंने दोबारा कनेक्ट किया तो अब इसने बता दिया है कि ये SPD फ़ोन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब मैं SPD टूल ओपन करूँगा CM2 टूल का। इसके अलावा आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, मॉडल नंबर लिखे कि इसका CPU कौन सा है, लेकिन ये आसान तरीका है। यहाँ पर ये इसका CPU सेलेक्ट करेंगे और सर्विस पे आएंगे। यहाँ पर आप इसका कोड रीड भी कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, रीड पैटर्न लॉक। अगर आप इसका डेटा जो है वो बचाना चाहते हैं, सिर्फ कोड रीड करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। आप पता लगा सकते हैं इसके अंदर कौन सा कोड लगा हुआ है, और फुल फॉर्मेट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपने करना है, फॉर्मेट FS रीसेट फ़ोन क्लियर FRP। FRP लॉक गूगल अकाउंट जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा और डेटा भी इसका सारा ख़त्म हो जाएगा। तो हमने सारा इसको रिसेट करना है। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और सेम उसी तरीके से वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस कर USB केबल कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है फॉर्मेट ओके, यानी मोबाइल फ़ोन जो है वो फॉर्मेट हो चुका है। दोस्तों, उम्मीद है आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।